दोस्तों 5G का जमाना आ गया और इंटरनेट पर इन्फॉर्मेशन बड़ी तेजी से एक्सचेंज हो रही है। इसी बीच में मेरे हाथ एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लगा जिसको मैं देख करके पहली बार तो चौंक गया, हैरान हो गया कि इतनी बड़ी बात कैसे आम जनता से छुपी हुई है। और ये बहुत कम को पता है, बहुत सीक्रेट रखा गया इस चीज़ों को, या बहुत कम तक ये जानकारी है जो इस चीज़ को सीक्रेटली करके और बहुत अच्छे लेवल पे इसको स्केल करके इसका मुनाफा कमा रहे हैं। इसका सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 1,20,000 रुपये केजी तक ये बिकता है। और एक और मज़ेदार बात बताता हूँ मैं कि 0.1% को इंडिया के अंदर, मैं सोच रहा हूँ कि 0.1% भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको इसकी जानकारी के बारे में पता होगा। वो क्या सीक्रेट है, वो क्या सीक्रेट फार्मूला है जिसे मैंने डिकोड किया और आपको करके दिखाया। अभी तक मैंने इस पाउडर के बारे में आपको बताया, लेकिन इसके बगल में कुछ है जिसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। दोस्तों मैं छोटा लेवल पर आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। अगर आप बल्क लेवल पे करते हैं तो इसको करने का आसान तरीका क्या है? सबसे पहले तो इसको छीलने में जो दिक्कत आती है, दोनों इसको ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को जैसे ही आप काट दीजिएगा तो ये आसानी से छिल जाएगा आगे, है ना। उसके बाद इसको बढ़िया से यहाँ पर लगाइएगा तो ये तो आपको छीलने में बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको बल्क लेवल पर करना है और आपसे नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी को हायर कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसको अच्छे से करना है। तो अभी हम लोग इस पूरे केले को पहले काटते हैं। काटने के बाद यहाँ पे उसके बाद आगे स्टेप क्या होता है वो दिखाते हैं। तो बस देखिए और बने रहिए इस वीडियो में। देख सकते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट सभी केले को ख़त्म कर लिए और यहाँ पे देखिए पानी में सबको जमा किए हैं, जैसे हम आपको बता रहे थे। छिलका एक साइड जमा कर रहे हैं और यहाँ पे सब लगे हुए करने के लिए। इस छिलके का, इसका, दोनों का क्या इस्तेमाल है वो हम लोग आगे में समझेंगे। अभी जो हम लोग काम करेंगे वो करेंगे इस फल के साथ जो हम लोग इसको जमा किए हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर लिए हैं केला, है ना। देखिए ऑलमोस्ट खत्म है और उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे जमा हो रहा है सब पतला पतला, इसका स्लाइस यहाँ पे काम हो रहा है और पतला पतला स्लाइस जमा हो रहा है इसका, ठीक है। तो आप ऐसे करके और इसको धूप में आराम से दे सकते हैं सूखने में, ये जल्दी से सूखेगा और आपका काम आसान होगा। जो इतना अमाउंट अभी मेरे सामने जमा हुआ है, ठीक ना, ये 3 किलो 800 ग्राम का था जो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक। तो 3 किलो के आसपास ये कच्चा केला हम लोग लिए हैं। अब देखते हैं कि इसको सुखाने के बाद इसका जो पाउडर बनता है वो कितना बनता है। देखिए दोस्तों अभी हम लोग इसको धूप लगा रहे हैं तो जितना पतला से दीजिएगा उतना बढ़िया सूखेगा। तो अभी नाप के दिखाएंगे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि कितना अमाउंट लेने से कितना हमारा बाय प्रोडक्ट निकलेगा और उस हिसाब से आप कितना लागत होगा और कितना प्रॉफिट ले सकते हैं वो आप एस्टिमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले पाउडर बनाते हैं, केले का अलग बना लेते हैं और छिलके का अलग बना लेते हैं और उसके बाद दोनों को नाप करके हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप बढ़िया से देख सकते हैं इसमें अभी पाउडर बनकर इतना बढ़िया पाउडर बना, एकदम पूरा स्मूथ हो गया है ना। तो अभी क्या है कि इस पाउडर को पहले हम लोग इसमें पलट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको रख लेते हैं और देखिए कितना शानदार निकला है। ये दिखने में कैसा था और अभी येलो स्टेप का आ गया। तो अभी जो हमने पाउडर बनाया हुआ केले का पल्प का, केले का फल का, वो देखिए कुछ इस अमाउंट में आया हुआ है ना। तो उसके बाद अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं और ये जो केले का छिलका है इसको भी हम लोग पाउडर बनाएंगे तो इसको भी बना के अलग करते हैं, उसके बाद दोनों को नापेंगे। तो फाइनल पाउडर हमारे पास ये तैयार है। अब इस पाउडर से आगे क्या ऐसा बन रहा है जो मार्केट में 1,20,000 रुपये केजी तक मिल रहा है, ठीक ना। तो उसका भी तरीका है, कारण ये है कि ये जो रॉ पाउडर जब आप इसको सेल करिएगा मार्केट में तो आपको 1,500 रुपये केजी तक ये बिक रहा है और इसको इंडिया में बहुत बढ़िया से कर रहा है, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको इस वीडियो में। दूसरी बात कि इसको जितना प्रोसेस करके आप दीजिएगा उतना इसका रेट है, 1,20,000 तक है। अब इतना डिमांड क्यों है, क्योंकि इसका बहुत सारा वैल्यू है मार्केट में, कमर्शियल वैल्यू इसका बहुत सारा है। आपके फूड इंडस्ट्री में जितना भी बिस्किट बनता है उस वाले सेक्टर में इसका डिमांड है, जितना बेकरी प्रोडक्ट है केक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, तीसरी बात जितना भी पफ्ड आइटम बनता है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्या है कि अभी भी केरला में जब जाइएगा तो फर्स्ट फूड के रूप में इसको दिया जाता है बेबी को, ताकि उसका फर्स्ट फूड मतलब समझ रहे कि बचपन में बच्चों को खाना खिलाया जाता है ना, वो रोटी नहीं खाते, दाल नहीं खाते, उसको क्या किया जाता है, दूध में मिला के उसको खिलाया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे केला तो ठंडा होता है तो फिर उसके हेल्थ को ख़राब करेगा, लेकिन नहीं, कच्चे केले में बहुत सारा न्यूट्रिएंट वैल्यू है, इसीलिए फर्स्ट फूड के रूप में अभी भी केरला में इसको दिया जाता है।
दूसरी बात, इसको पूरे वर्ल्ड में सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इतना न्यूट्रिएंट वैल्यू है, अनगिनत है। इसके अलावा इसका फीड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जहाँ जानवरों के दाने के बनाने, जैसे अगर पोल्ट्री फार्म है तो उसमें उसके दाने बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों को खाने के लिए, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, जो उसके इजी वेट गेन में और वो मदद करता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल सबसे बढ़िया फार्मास्यूटिकल दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री में किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी का इलाज ही करता है, आपके पेट को पूरा साफ रखता है, यहाँ तक फर्स्ट स्टेज में अगर डायबिटीज़ है उसको ठीक करने के लिए इसको बनाया जाता है। इसमें शुगर क्योंकि कम होता है, इसको दवा वाले इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ज़्यादा रेट देता है मार्केट में, जो मैंने आपको बताया 1,20,000 तक, वो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। वहाँ पर इसका इतना डिमांड है, वो क्यों है मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ। मेकअप इंडस्ट्री, जितना भी लग्जरी मेकअप होता है वो इस बनाना पाउडर से, प्योरली बनाना पाउडर से किया जाता है। दूसरी बात, जितना भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो इस बनाना को इस्तेमाल करते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल जब करिएगा तो प्रॉपर आपके पास इंडिया आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा। तो ये बनाना पाउडर आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो आराम से मार्केट से 1,500 से 25,000 रुपये केजी तक निकाल सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से स्केल करते हैं, थोड़ा प्रोसेस करते हैं, तो 1,20,000 रुपये केजी तक भी मार्केट से निकल रहा है। मैं प्रॉपर आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं कि 25 ग्राम पाउडर को 3,000 रुपये में बेचा जा रहा है, कहीं 8 ग्राम पाउडर को 200 रुपये में बेचा जा रहा है। अगर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कैलकुलेशन करने के बाद कि 1,20,000 रुपये केजी तक ये आता है जो मार्केट में सेल किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों इसको इतना किया जा रहा है और क्यों हम आप नहीं जानते हैं? क्योंकि हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने कच्चा केला, केले के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं? एक तो सब्जी बना के खाने में इस्तेमाल करते हैं, कच्चे केले के बारे में बात करें या अभी तक जानते हैं कि चिप्स बना के इसका इस्तेमाल होता है, दूसरा इसका कुकी बना के इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट हम लोग नहीं जानते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक्सपोर्ट इसका इतना डिमांड है आउट ऑफ इंडिया इसका, जिसमें कि आपको लीडिंग कंट्री में USA आता है, चाइना आता है, मैक्सिको आता है, कनाडा आता है, जापान आता है, ये सब हाई डिमांडिंग ये है कंट्रीज इसका, और इसका इम्पोर्ट हाई है उस देशों में, जो कि 2020 का अगर आर्टिकल देखे गूगल का, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट पे, आप यहाँ देखें तो 2020 में ये 10 मिलियन $10 का मार्केट था, जो कि 2027 तक एक्सपेक्टेड है 1,500 मिलियन US डॉलर का ये मार्केट बनने वाला है। 7% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ये बढ़ने वाला है इसका मार्केट आगे, ठीक है। तो ये सब मैं आपको दिखाया, और ये प्रैक्टिकली मैं ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर आपको स्क्रीनशॉट कर ये दिखा रहा हूँ इसमें, और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉपर इसको गूगल कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि सच में इस बात में एकदम है कि नहीं, क्योंकि हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको इम्पोर्ट करवा के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। तो बस बनाना का ये पाउडर है, और ये जो इसके बगल में मैं आपको बता रहा था, ये उसका छिलका है, इसको भी मैं इसीलिए बता रहा था आगे कि मैं बताऊंगा, ये इसको भी स्पेशली बेचा जा रहा है, इसको ये करके पाउडर बना करके खाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसका कम रेट है, 120-150 रुपये केजी तक ये मिल रहा है। लेकिन जो मेन मेरा इंटेंशन था आपको बताने का, वो था ये बनाना पाउडर को सेल करके मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, इसमें बहुत सारा बिजनेस प्रपोजल दिया गया है। दोस्तों इंडिया में अगर मैं बात करूँ कि सच में कोई इंडिया में इसमें काम कर रहे हैं, तो वोल्जा एक साइट है, उसका रिपोर्ट बताती है कि अभी 64 एक्टिव बायर्स हैं अपने इंडिया में। दूसरी बात, टॉट्स एंड मॉम करके एक ये है स्टार्टअप है जो कि केरला का है, वो भी प्योर ये बेच रहा है, केरला ये केला का पाउडर बेच रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब जितने भी स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स स्पेशली गुजरात, इन सब जगहों पर इस पर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके इसको या तो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल करके सेल किया जा रहा है, ऑनलाइन सेल किया जा रहा है, या फिर आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो स्पेशली अगर आप इसमें स्टेप करना चाहते हैं, अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें करना चाहते हैं, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि केले के बारे में क्या है कि ये पूरे साल अवेलेबल हो जाता है इजीली। केरला में जाएगा तो नेंद्रन बनाना करके चलता है, वैसे बहुत सारा वैरायटी हमारे लिस्ट में डाल दूंगा, और क्योंकि मैं बिहार से शूट कर रहा हूँ, बिहार में आप आइएगा तो वहाँ पे चलता है एक G9 केला, बहुत अच्छे साइज़ का होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों एक वीडियो मैंने इससे पहले भी बनाया था, अंडे के छिलके से सोना बनाया, उसमें भी मैंने आपको बहुत तगड़े बिजनेस आइडिया के बारे में बताया था, जो आप अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं, मैं आई बटन लगा दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ तक मैंने इंटरव्यू भी डाला है उस पर कि एक तमिलनाडु के हैं जो बहुत अच्छे मुनाफा ले रहे हैं, उसका भी मैंने डाला हुआ, तो वो भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। ये मैंने आपको बताया, ये भी बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, बस होते अब आप पे है कि आप उससे स्टेप लेकर के आगे बढ़ते हैं। जानकारी सबके पास होता है लेकिन बहुत कम होते हैं जो आगे बढ़ते हैं उस पर करते हैं।